Good morning, good afternoon, good evening. This is Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 12th English literature में एक book है Kaleidoscope. उसका एक chapter है The Mark on the Wall. This is basically a chapter जिसमें opening ऐसी बताई गई है एक anonymous lady, मतलब जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है. वो अपने घर पे, एक नए घर में जब वो रहने जाती है, उन्होंने परचेज करी है वो विला. प्रोबेबिलिटी में वो अपने दीवार पे सामने एक निशान देखती है. अब दिस लेडी इज सिटिंग इन अ कोजी वार्म हाउस. फायरप्लेस है. यूरोपियन कंट्रीज में यूजली दे हैव अ फायरप्लेस दैट इज एक्चुअली यू नो यूज्ड टू कीप द हाउस वार्म. एक चिमनी होता है, उससे सारा धुआं निकल के बाहर चले जाता है. सो दिस थिंग इज देयर, शी इज सिटिंग आउट देयर कोजली. तभी वो चिमनी के ऊपर एक निशान देखती है, एक मार्क. शी सडनली थिंक्स कि ये मार्क इस दीवार पे क्यों बनाया गया है. द होल चैप्टर स्टार्ट्स एट दिस वेरी पॉइंट. ब्यूटिफुल डिस्ट्रैक्शंस बताए गए हैं, काफ़ी सारी बातें. एक तरीके से फिलोसफिकल हम कह सकते हैं रोलर कोस्टर है ये चैप्टर. लेट अस गो अहेड एंड सी. इट हैपेंस दैट व्हेन शी सीज द मार्क ऑन द वॉल, वो सडनली सोचने लगती है कि इतनी खूबसूरत दीवार जिस पे एक फायरप्लेस है, जहाँ पे बर्निंग के लिए कुछ यू नो लाइक वुड रखते हैं, कुछ वुड की कार्विंग्स है, उस दीवार पर एक निशान किस लिए है, पर आपसे छेद किस लिए है. क्या वो एक नेल के लिए था, क्या वो एक कील के लिए था, जहां पर एक पोर्ट्रेट परहैप्स टंगा होगा या किसी लेडी की फोटो टंगी होगी. अब इस टॉपिक से शी गेट्स इनटू अ नॉस्टैल्जिया. वो उस लेडी के बारे में, उस पुराने ओनर ऑफ द हाउस के बारे में सोचने लगती है कि वो जो पुराना ओनर जो था, उसने किस मोमेंट, किस ज़रूरत के हिसाब से एक पिक्चर फ्रेम यहाँ पे लगाया होगा. Perhaps did he do that to go ahead and remember his old mother or his beloved wife, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है. ये डिलेमा में सोचते सोचते suddenly she started also thinking about the personality of the house owner. कि जो पर्सन किसी फैमिली या फैमिली मेंबर या लव्ड वन की डेथ के बाद में एज अ रिमोर्स एंड टू रिमेंबर देम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम पिक्चर अपने घर में लगा के रखता है, उस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, वो पर्सन किस तरीके का होगा, कि वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में आगे चलता तो जा रहा है, बट ही इज़ ऑल्सो गोइंग अहेड एंड रिमेंबरिंग द पीपल हु हैव लॉस्ट their lives, जो हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए हैं. ऐसे लोगों को भी याद करने वाले उस एक्स ओनर की पर्सनैलिटी के बारे में शी स्टार्ट्स थिंकिंग. धीरे धीरे इस थॉट से और ज़्यादा डेप्थ में जाते हुए हमारी जो ऑथर कह सकते हैं, हम जो थिंकर हैं, शी एक्चुअली इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड थिंकिंग अबाउट डेथ. अब वो बात कर रही हैं कि सडनली कि अगर जो डेथ होती है, जो इनएविटेबल है, जो ख़त्म हो सकता है, लोग ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द थिंग्स कि हम इस दुनिया में क्या क्या खो चुके हैं, हम इस दुनिया में उन चीज़ों के यू नो लाइक अभाव में आ जाते हैं, हम उस इन दुनिया के उन चीज़ों के थॉट में आ जाते हैं जहाँ पे वी एक्चुअली आर ट्रैप्ड इनटू अ बॉन्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट द थिंग्स जो हम खो चुके हैं. खुद भी वो यहाँ पे सोचने लगती है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या खोया है, मैं अपनी लाइफ में क्या क्या यू नो लाइक पीछे छोड़ के आ चुकी हूँ. बहुत सारी चीज़ें सोचती हैं वो. एंड देन शी फाइनली थिंक्स अबाउट हर ओन डेथ कि एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा जब शायद मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी, क्योंकि दिस इज द रियल यू नो सर्कल ऑफ लाइफ दैट इट हैपेंस. हम
कुछ ना कुछ चीजें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं. एंड वन फाइन डे हम खुद को भी छोड़ के, इस बॉडी को छोड़ के इस लाइफ से चले जाएंगे. ये वो मोमेंट होता है जब वो रियलाइज करती है कि ये जो मार्क है ये कोई छेद नहीं है, ये तो कोई इंक का स्पॉट है. ये यहाँ पे एक इंक का एक दाग सा लगा हुआ है. अब इस इंक के स्पॉट को देखते हुए वो जैसे सोचने लगती है, उतने में उनके घर की जो खिड़की है उस पे उनको एक पेड़ हवा से हिलते हुए टैप होता हुआ दिखता है. एंड देन शी स्टार्ट्स थिंकिंग समथिंग एल्स. अब इंक से रिलेशन चालू हो गया लिखना. शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द ग्रेट राइटर्स, प्ले राइट्स, फिलोसफर्स, जो शायद उसके समान ही ऐसे ही किसी घर में किसी फायर प्लेस के सामने बैठे हैं. एंड शी लाइक शी इज एंड द पर्सन इज एक्चुअली इन द वर्म्थ एंड थिंकिंग अबाउट सो मैनी फिगर्स एंड सो मैनी कैरेक्टर्स एंड थिंग्स अक्रॉस. यहाँ वो ये कहती है कि ये जो राइटर्स महाशय जितने लोग थे, दे एक्चुअली वर सिंपली टर्न्ड इंटू पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स एज अदर कैरेक्टर्स. उन्होंने जितने कैरेक्टर्स सोचे हैं, जितने कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए अपने प्लेज में, अपने यू नो नॉवेल्स में, अपने ड्रामास में, एसेज में, वो सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं उस राइटर के, यहाँ वो बात करिए शेक्सपियर तक की, वो जितने भी यू नो उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए कहीं ना कहीं वो उस राइटर के ही मन से उपजे हुए हैं. देज आर द कैरेक्टर्स दैट हैव कम आउट थ्रू द माइंडसेट ऑफ द राइटर. तो आप ये सोचिए, जब एक राइटर के माइंडसेट से एक कैरेक्टर निकल कर आ रहा है तो परहैप्स माय फ्रेंड्स उस कैरेक्टर के अंदर उस राइटर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज शी सेज इट इन अ करेक्टिव मेजर कि अगर आप कोई सा कैरेक्टर इमेजिन कर रहे हैं उसके अंदर आप अपनी क्वालिटीज कहीं ना कहीं इमेजिन करेंगे. लेकिन हुआ क्या है, इन राइटर्स ने, इन ऑथर्स ने हम लोगों को एक इमेजिनरी फिगर दे दिया है जो शायद ही कहीं से ट्रुथफुल रहेगा और जो शायद ही यू नो लाइक एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम पूरी जनरेशन और आगे वाले आने वाली जनरेशन उस इमेजिनरी कैरेक्टर के याद में उसको इमेजिन करते हुए वक्त बिताने लग जाएंगे. व्हाट वी विल डू इज हम लोग उन कैरेक्टर्स को ही इमेजिन करते रहते हैं एंड दैट्स ऑल व्हाट वी डू. अगेन बाद में वो सोचती है कि नहीं, अब ये मार्क तो एक परछाई जैसा दिख रहा है. तो परछाई से उन्हें याद आती हैं वो टूम्स, मतलब वो कब्रें. उन्हें थोड़ा सा लगता है कि क्या ये मार्क मुझे ऐसी जगह लेके जा रहा है जहाँ पे इस सिचुएशन से मैं काफ़ी दूर हूँ. लोग अपने एटीट्यूड्स बदल लेते हैं, अपनी जॉब्स बदल लेते हैं, दे टेंड टू चेंज देमसेल्व्स. शी गोज अहेड एंड स्टार्ट्स थिंकिंग कि यार इस मार्क को थोड़ा पास से देखना चाहिए, ये बार बार बदल क्यों रहा है. लेकिन उन्होंने सोचा ये तो गलत बात है, नॉलेज अर्जित की जाती है सोचने द्वारा, ना कि ऊपर उठने और नीचे बैठने से. ज्ञान जो होता है, यू नो नॉलेज इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय थिंकिंग. अगर मैं ये उठने और बैठने का काम करूंगी तो इससे तो मैं नेचर की विक्टिम बन जाऊंगी, क्योंकि ये जो हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास है, जो संसार है, ये बार बार कोशिश करता रहता है कि हम लोग इस यू नो संसार के हिसाब से चले. द ऑथर हियर थिंक्स, शी थिंक्स ओवर हियर कि नहीं, दिस वुमेन थिंक्स नो, मैं ये जो है संसार का जो ट्रैप गेम है इसके अंदर मैं नहीं फंसने वाली. मैं बैठ के देखूंगी कि ये क्या है, क्लोज इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है. इतने सारे यू नो लाइक प्लेजेंट कहा गया है डिस्ट्रैक्शंस, इतने सारे ख्याल उस लेडी के मन में चलते रहते हैं. वेयर शी इज इंटरप्टेड बाय अ सेकेंड वॉइस. ये दूसरी आवाज किसकी होती है, ये दूसरी आवाज कोई और नहीं, हम लोग इमेजिन करते हैं उनके हस्बैंड की होती है. चलाते हुए कमरे में घुसते हैं हस्बैंड एंड एक बात सोचने लगते हैं कि मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है. अब सडनली वाइफ जो होती है
वो अपने इन प्लेजेंट डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। वो ये बोलती है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हो रहे हैं, दिस इज सिंपली नथिंग। ये मेरा हस्बैंड एक न्यूज़पेपर के पीछे पड़ा है। जब आज की डेट में हम कोई सा न्यूज़पेपर उठाते हैं, व्हाट डू वी गेट इज वी गेट सैड न्यूज, वी गेट न्यूज़ ऑफ वॉर, वी गेट न्यूज़ ऑफ फाइट्स, एवरीथिंग। व्हाट आर वी डूइंग इज हम लोग सिर्फ फाइट्स करते हैं, हम लोग सिर्फ चीज़ें करते हैं। तो ये जो चीज़ें रहती है, दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। एक न्यूज़पेपर लेने का फ़ायदा क्या है? हम न्यूज़पेपर लेते हैं, उसमें सिर्फ युद्ध, बुरी बातें, ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब हस्बैंड भी इसी पॉइंट पर एक तर्क करते हुए कमरे से बाहर निकलता है। हाँ, लेकिन मैं न्यूज़पेपर लेके करूँगी अब क्या, उसकी ज़रूरत क्या है मुझे? जैसे हमारे घर की दीवार पे ये स्नेल क्या कर रहा है? फाइनली द वुमन रियलाइजेस कि वो दीवार पे जो स्पॉट था, जो इंक प्लॉट था, जो शेडो था, दैट वॉज नथिंग बट अ स्नेल। एंड इट वॉज अ स्नेल ऑन द वॉल, अ क्रॉलिंग इंसेक्ट दैट गेव बर्थ टू सो मेनी इंट्रिकेशंस। इस चैप्टर को अगर हम इन डेप्थ देखते हैं तो वी विल कम टू नो कि एक छोटी सी यू नो लाइफ भी एक पर्सन को ब्यूटी ऑफ नेचर, फिलोसफिकल ट्रेट्स और बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करने में छोड़ देती है। सो आई होप नाउ यू गॉट दिस चैप्टर। स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट अस बिलो, आई विल बी रिप्लाइंग यू बैक। आई'd लाइक टू इन्फॉर्म यू वी आर गिविंग वन ऑन वन क्लासेस एज वेल, वी हैव स्टार्टेड दोज सेशंस। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड प्लीज डू लेट अस नो, वी विल बी गोइंग अहेड एंड यू नो रिप्लाइंग यू बैक एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन, आई'ल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।